इस वीडियो में हम डक्ट की साइजिंग करना और डक्ट पर इंसुलेशन लगाना सीखेंगे। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर हमने ये क्रिएट किया था एक वीएवी और इसमें से हमने ये सप्लाई डक्ट निकाला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ से हमने वीएवी में से यहाँ पर डक्ट का साइज निकाला, तो जिस साइज का भी हमने यहाँ से डक्ट क्रिएट करना शुरू किया था लास्ट तक हमने वही साइज रखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। जितना आगे जाता है डक्ट उसी हिसाब से साइजिंग कम हो जाती है, तो वही साइजिंग करना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक कॉरिडोर में एक नया एयर टर्मिनल लगा लेता हूँ और हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी वीएवी है, उसमें से हम डक्ट क्रिएट करेंगे और इसको हम साइजिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक एयर टर्मिनल क्रिएट कर लेता हूँ, सप्लाई वाला मैंने इसको सिलेक्ट किया। क्रिएट सिमिलर पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कन्फर्म कर लेंगे हमारा ऑफसेट लेवल 1 से कितना है। उसके बाद मुझे जहाँ पर लगाना है मैं वहाँ पर क्लिक करूँगा। सपोज करो मुझे यहाँ पर लगाना है, मैंने यहाँ पर ऐसे क्लिक करा लिया, एस्केप बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अलाइन करेंगे, मॉडिफाई टैब में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाइन, और इसको हम ऐसे अलाइन कर लेंगे और बाद में हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से कंस्ट्रेंट और मल्टीपल को चेक करा दें, जिससे कि हम मल्टीपल कॉपी कर सकें और कंस्ट्रेंट रहे। तो मैं यहाँ से एक बना लिया मैंने, और अब मैं दूसरा यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। उसके बाद एक मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ और यहाँ पर एक। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 4 सप्लाई वाले एयर टर्मिनल क्रिएट कर लिए और मेरे पास यहाँ पर ये वीएवी ऑलरेडी है, तो मैं इसमें से डक्ट क्रिएट करूँगा। तो डक्ट क्रिएट करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ मुझे डक्ट किधर से निकालना है। मेरे पास ये है आउट डक्ट, तो मैं इसको ओरिएंटेशन करके या यहाँ पर क्लिक करके रोटेट करके मैं इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे रोटेट कर लूँगा, तो इसका इधर साइड में आ जाएगा। अब हम इसको इसके सामने लेके आते हैं, जिससे कि हम डक्ट क्रिएट करेंगे या फिर हम इस पर क्लिक करके डक्ट क्रिएट कर लेंगे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट डक्ट। क्लिक करने के बाद हम लास्ट तक स्ट्रेट डक्ट क्रिएट कर देंगे, सेम उसी साइज का जिस साइज का इसमें से निकल रहा है। ये हमारा साइज है यहाँ पर 350 बाई 280। इसके बटन प्रेस करेंगे। अब हम डक्ट को सेंटर करा लेंगे इस एयर टर्मिनल के। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा डक्ट को और जो कीबोर्ड है हमारा उसमें जो अप बटन होता है इसको हम थोड़ा सा अप कर लेंगे। ये इसके सेंटर में आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप वैसे भी सेंटर करना चाहते हैं तो वैसे भी सेंटर कर सकते हैं, माउस से मूव करके भी सेंटर आ जाता है और यहाँ पर ये जब सेंटर आएगा ऑटोमेटिक इसको स्नैप कर लेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ये टर्मिनल है, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसमें जो डक्ट का साइज है, जो इसमें से डक्ट निकल रहा है वो ज़्यादा mm का है, 300 mm बाई 300 mm का है। तो मैं यहाँ से इसको एडिट टाइप में जाकर रीनेम कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 100 mm, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी हिसाब से कर लेंगे। मैंने इसको 100 mm कर दिया और यहाँ से भी मैं इसको चेंज कर दूँ 100 100। ओके बटन पे क्लिक करा देंगे तो ये 100 100 हो गए। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कनेक्ट इनटू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको हम इससे कनेक्ट करा देंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कनेक्ट इनटू, इस पर क्लिक करेंगे इसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे कनेक्ट करा दूँगा, कनेक्ट इनटू, यहाँ पर क्लिक करेंगे इसमें कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन इसको सिलेक्ट करेंगे कनेक्ट इनटू और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके एंड पॉइंट पर राइट क्लिक करते हैं और कैप ओपन एंड पर क्लिक करा देते हैं, जिसमें यहाँ पर इसमें कैप लग जाए। अब अगर मैं इसको 3D में देखता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बना है। यहाँ पर आप इसको और ऑर्बिट करके भी देख सकते हैं और मेरे सारे जितने भी मैंने 1 2 3 4 जितने भी हमने यहाँ पर इसमें सरिये लगाए थे डिफ्यूज़र सप्लाई वाले, तो हमने कनेक्ट कर दिए और हमारे डक्ट का साइज जितने से हमने शुरू किया था लास्ट तक उसी साइज का बना है। तो इसको हम यहाँ से कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टर्मिनल्स होते हैं जो हमारी कैलकुलेशन रहती है वो किस हिसाब से रहती है, हर एयर टर्मिनल के बाद में साइजिंग चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हम डक्ट को स्प्लिट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर मॉडिफाइड टैब में कमांड होती है स्प्लिट एलिमेंट। ध्यान रखें यहाँ पर दो कमांड होते हैं, सेम सी हैं देखने में, एक तो होती है स्प्लिट विद गैप, एक होती है स्प्लिट विद एलिमेंट। तो गैप वाली आपको यूज़ नहीं करनी, ये अलग तरीके की होती है,
हमें यहाँ पर यूज करनी है स्प्लिट एलिमेंट, और मैं यहाँ पर ऐसे स्प्लिट करा देता हूँ, यहाँ पर स्प्लिट करा देता हूँ, यहाँ पर स्प्लिट करा देता हूँ। इसके बाद एस्केप बटन प्रेस करेंगे, एस्केप कर लिया, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ से स्प्लिट हो गया डक्ट हमारा, सब जगह से मैंने स्प्लिट करा दिया हर एड टर्मिनल के बाद। अब हमें क्या करना होगा, हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे सिस्टम को, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर कर्सर ले आएंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे, एक बार दो बार करेंगे तो डिफ्यूज़र भी सिलेक्ट हो जाएगा, तीसरी बार से टैब प्रेस करेंगे तो ये सारे सिस्टम को हाईलाइट कराएगा और हम क्लिक करके इसको सिलेक्ट करा लेंगे। जैसे ही पूरा सिस्टम सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा डक्ट पाइप साइजिंग, जब इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद हमें यहाँ पर साइजिंग का मेथड, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फ्रिक्शन या वेलोसिटी या इक्वल या स्टैटिक, जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू आपको क्या रखनी है वो यहाँ पर एंटर करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे कंस्ट्रेंट, ब्रांच साइजिंग आपको क्या रखना है, कैलकुलेटेड साइज ओनली या मैच, ये आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डिज़ाइन है, कैलकुलेशन है, उसके आप हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डक्ट किस साइज का था, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टार्टिंग से, ये हमारा डक्ट जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था 350x280 समथिंग का था, अब हमारा यहाँ से चेंज हो गया ऑटोमेटिक टू 225x225 mm का, और उसके बाद यहाँ पर फिर ऑटोमेटिक चेंज हो गया 200x200 mm का। उसके बाद हम फिर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हो गया 175x175, और इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 110x110। तो आप अपने हिसाब से जैसे ही इसमें रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से ये कम हो जाता है। बाकी आप इसमें जैसे अगर यहाँ पर ये रिड्यूसर लगा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, इसको इधर या इधर करना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड में आप इसमें लेफ्ट राइट एरो से इसको इधर उधर रख सकते हैं, और उसी के हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन होगी, जो हमारी क्वान्टिटी होगी डक्ट की, वो इसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। आप नहीं तो ऐसे क्लिक करके इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर रखें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल एक सिंपल तरीका है, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं वहीं पर, और अगर इसको आप 3D में भी देखेंगे तो ये इसी तरीके से नज़र आएगा। इसमें ये हमारे टर्मिनल्स हैं, ये हमारा VAV है, और इसमें से हमने ये डक्ट क्रिएट कर लिया। तो जो भी आपका डिज़ाइन है, जिस ड्राइंग पर आप काम कर रहे हैं, जो भी आप रूल फॉलो कर रहे हैं, आप उसी हिसाब से इसको बना सकते हैं। अगर आप कोई एडवांस कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप udemy.com से मेरे पेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। अभी मेरे 4 पेड कोर्सेज हैं, जिसमें एक है वीरे 3.6 जो है 3200 रुपीज़ का, सेकंड है रेविट स्ट्रक्चर 4160 रुपीज़, तीसरा है रेविट MEP का 6400 रुपीज़, और लास्ट है रेविट आर्किटेक्चर 3200 रुपीज़। तो अगर आप इनमें से कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, इनके लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप उन पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको लेस हो जाएगा, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, जो 3200 का था वो 1600 में मिलेगा, सभी आपको इसी तरीके से 50% डिस्काउंट पे मिलेंगे। और साथ में आपको मिलेगा इसमें लाइव क्लास मिलेगी इसमें आपको, जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे से कॉन्टेक्ट में आके मेरे से 2 सेशन फ्री में लेके आप उनको सोल्व करा सकते हैं, और 1 सेशन इसमें 1 घंटे का होगा, यानी कि 1 सेशन 1 घंटे का होगा, आप 2 सेशन लेके इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे आप उनको पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई सा भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, 50% डिस्काउंट मिलेगा और 2 घंटे की लाइव क्लास। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें इंसुलेशन लगाएंगे। इंसुलेशन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डक्ट सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि हमें जो इंसुलेशन लगानी है वो सिर्फ डक्ट पर लगानी है। तो हम यहाँ पर इसके ऊपर डक्ट के ऊपर कर्सर लाएंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे, एक बार दो बार क्लिक करा देंगे। तो अभी डक्ट के साथ में इसमें हमारे पास एयर टर्मिनल भी सिलेक्ट हो रहे हैं, हमें इनके ऊपर इंसुलेशन नहीं लगानी, तो हम सिलेक्शन में से एयर टर्मिनल को हटा देंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल्टर, और यहाँ पर हम देख सकते हैं एयर टर्मिनल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए डक्ट फिटिंग्स और डक्ट्स, सिर्फ ये 2 चीज़ चाहिए, तो इनको रखेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सिर्फ डक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे और डक्ट फिटिंग्स।
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है डक्ट इंसुलेशन, एड डक्ट इंसुलेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे एड डक्ट इंसुलेशन पर। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंसुलेशन टाइप। हमारे पास दो टाइप की इंसुलेशन होती है, रिजिड फाइबर बोर्ड और एक होती है डक्ट रैप, और यहाँ पर आप उसकी थिकनेस दे सकते हैं। अगर आप इंसुलेशन टाइप में कोई भी इंसुलेशन टाइप यूज करते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं, इसका मटेरियल यूज कर चेंज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट टाइप। एडिट टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम मटेरियल, और भी इसमें जो यूज़ हो रहा है मटेरियल डक्ट रैप इंसुलेशन के नाम से यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक बटन सा होता है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी इंसुलेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे PVC जैकेट और रिजिड फाइबर, जो भी आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके ग्राफिक्स हैं, आपको इसमें कट पैटर्न में किस तरीके का ग्राफिक रखना है, उसका कलर कौन सा रखना है, ये फोरग्राउंड का है, ये बैकग्राउंड का है, तो ये आप समझ जाओगे जब आप इसको लगाओगे। सरफेस पैटर्न है, ये कट पैटर्न है, फोरग्राउंड है, बैकग्राउंड है, यहाँ पर इसका पैटर्न है और कलर है, पैटर्न कलर। तो आप अपने हिसाब से जब पैटर्न पर क्लिक करोगे यहाँ से कोई भी पैटर्न ले सकते हो, और जो भी आपको कलर चाहिए यहाँ से आप उसका कलर ले सकते हो। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करा देंगे, तो मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, तो मैं इसको कैंसिल करा देता हूँ, कैंसिल। और यहाँ से हम इसकी थिकनेस डाल देंगे, जो भी आप इंसुलेशन यूज़ कर रहे हो, तो मुझे सपोज करो इसमें 15 mm की थिकनेस लेनी है, तो 15 मैंने यहाँ पर एंटर करा दिया। अब हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तो ओके बटन पर क्लिक करने के बाद इसके ऊपर इंसुलेशन ऐड हो जाएगी, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो अभी हमारा डक्ट था, इसके ऊपर इंसुलेशन आ जाएगी। तो इसमें एक एरर आ गई, हम दोबारा इसको ट्राई कर लेते हैं। इसके ऊपर टैब बटन प्रेस करेंगे, टैब सेम वही तरीका करना है, फिल्टर पर क्लिक करेंगे, एड टर्मिनल को हटा देंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एड इंसुलेशन, और यहाँ से आप कोई सी भी ले लेंगे। यहाँ से इसकी हम थिकनेस ज़्यादा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करा देंगे, तो इसमें देखिए इसके ऊपर इंसुलेशन ऐड हो गई। तो आप जिस तरह की सी जिस तरीके से भी जिस तरी जिस टाइप की भी आपको इंसुलेशन लेनी है, उसी टाइप की इसके ऊपर इंसुलेशन आ जाएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका मटेरियल भी हमें यहाँ पर दिखा रहा है इंसुलेशन का, और जब हम इसकी क्वांटिटी वगैरह निकालेंगे तो इसका इंसुलेशन का भी हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें डक्ट के अंदर इसकी साइजिंग कर सकते हैं और इसके ऊपर इंसुलेशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन और होता है, अगर मैं इसको पूरे सिस्टम को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर होता है सिस्टम इंस्पेक्टर। अगर आप पूरा सिस्टम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कर्सर लाकर पूरा सिस्टम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर अगर क्लिक करते हैं सिस्टम इंस्पेक्टर पर, क्लिक करने के बाद आप अपना कर्सर जहाँ पर भी लेके आओगे, यहाँ पर ये हमारे पास एक टूल बार आ गई, छोटी सी एक पैनल आ गया, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पर भी कर्सर लाओगे वहीं पर इसके बाद इसकी सारी डिटेल दिखाएगा। ये सिस्टम इंस्पेक्टर होता है, तो ये पूरे की इसकी डिटेल दिखाएगा, इसके बारे में पूरा बताएगा, इसका फ्लो, स्टैटिक प्रेशर और प्रेशर लॉस। तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अगर जैसे भी करना चाहते हैं, बाद में भी आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ देखने के लिए होता है सिस्टम इंस्पेक्टर, अगर आप चेक करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसके बाद फिनिश पर क्लिक करा देंगे। तो ये चीज़ होती है, तो आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उसमें आप अपने तरीके से इसको यूज़ करें, जो भी टूल्स मैं बता रहा हूँ आप अपने HVAC प्रोजेक्ट में रेविट MEP में इसको यूज़ करके देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल दो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें HVAC का और आगे सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।